eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाली बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ काइन मास्टर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अपने अगले वीडियो में काइन मास्टर के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए अब मैं आपको बताऊँगा काइन मास्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करनी होगी, जिसका नाम है काइन मास्टर। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करना है। वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ये ऐसे लोडिंग करता थोड़ी देर तक। मैंने आपको पावर डायरेक्टर के बारे में बताया था और ये है काइन मास्टर। काइन मास्टर के लिए आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, जो आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा आपको। फिर उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो आपको 16:9 का रेशियो सिलेक्ट। आईज ऑन माय डिस्प्ले, यू से वी नीड अ चेंज एंड आई फील दैट यू मीन इट। फिर उसके बाद अब मैं आपको एडिटिंग करके दिखाता हूं। आपको यहां पे क्लिक करना है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। क्लिक करना है, फिर आप यहाँ से कोई सा भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं वीडियो। जैसे मैं यहाँ से कोई सा वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जैसे ये वाला वीडियो सिलेक्ट करा है। फिर अब मैं आपको एडिटिंग दिखाता हूँ। इसमें पहले आपको ट्रांसिशन दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले मैं इसमें ट्रांसिशन दिखाता हूँ। रुकिए फ्रेंड्स, मैं 2 मिनट अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे खूब सारे ट्रांजिशन आते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये वाला ट्रांजिशन दिखाता हूँ, प्लस का मतलब एरोप्लेन वाला, और ये प्लस वाला है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो बिल्कुल साइड में आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इसको राइट क्लिक करना है ऊपर से। और अब देखिए, आप इसे मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। देखिए अब ये ट्रांजिशन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा, ये हो गया ट्रांजिशन का इफेक्ट। अब मैं इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन है, आप वहाँ से कोई सा भी कर सकते हैं। मुझे एरोप्लेन वाला बहुत अच्छा लगता है और एक और अच्छा लगता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ लेयर्स। लेयर्स का मतलब होता है, लेयर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर आप लेयर का मतलब है वो उसकी वीडियो के ऊपर आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे साइड में जाएंगे तो वो वीडियो के ऊपर मतलब कैसे कर सकते हैं। रुकिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेयर पे मैंने क्लिक करा, मीडिया पे क्लिक करा, और अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ये, और फिर यहाँ पे मैं क्रोमा की पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ। और अब आप देखिए वीडियो, देखिए ये जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये वीडियो के ऊपर आ रहा है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये वीडियो के ऊपर आ रहा है। वरना अगर हम ऐसे मीडिया से कर लेंगे तो वो नहीं आएगा ऊपर, इसलिए हमें लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको इफेक्ट का कैसा करना है, कोई सा भी आप यहाँ से इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब किस टाइप का रखना है, जो इस टाइप का आप रखना चाहते हैं आप इस टाइप का रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इसको, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ एनिमेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन, शेप्स, ये सब होते हैं, मतलब आपको शेप्स कौन सा सिलेक्ट करना है। और ये यहाँ पे आप एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप, मैंने अगर टॉप को सिलेक्ट करा और राइट क्लिक करूँ और फिर देखें, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अभी आपको मैं और अच्छे से क्लियरली दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बस अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली।
और आप यहाँ से स्टिकर्स भी ले सकते हैं कोई से भी, जैसे यहाँ पे क्लासिक स्टिकर है, आपको जो स्टिकर लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको और आप यहाँ से स्टिकर्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो एक क्रोमा की है, मतलब क्रोमा की मतलब आपको एक सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा होगा, इसका रियल इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, इसका रियल इमेज कैसा है। तो इसका रियल इमेज है, देखिए इसका रियल इमेज यही है, इसका रियल इमेज वीडियो ये है। जैसे क्रोमा की पे मैंने क्लिक करके इसको सब्सक्राइब किया, पिछले जो सब्सक्राइब बटन था वो ऐसा था, पूरा जो बैकग्राउंड था उसका ग्रीन कलर का था। हेलो फ्रेंड्स, जो उसका बैकग्राउंड था वो पूरा ग्रीन कलर का था। क्रोमा की से ये सब हो जाता है, अगर आपको क्रोमा की से ये जो बैकग्राउंड था ग्रीन कलर का वो हट गया और जो वाइट कलर का था वो हमें अच्छे से दिखने लगा, ये होता है। और अगर आपको म्यूजिक अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास अगर कोई सा भी सॉन्ग्स हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉन्ग्स हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो म्यूजिक ऑप्शन है वो काइंड मास्टर से वो आपको दे देगा। फिर गेट म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है, फिर अपने आप वो लोड होके अपने आप बहुत सारे म्यूजिक आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ से कोई सा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप म्यूजिक लगा सकते हैं अपने वीडियोज। और अब मैं आपको बता देता हूँ रिकॉर्डिंग के बारे में। रिकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ कैसे, इसमें देखिए स्टार्टिंग, जैसे इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो अपने आप स्टार्ट होती है। देखिए मैंने रिकॉर्डिंग पे क्लिक करा, फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। फिर जैसे मैं हेलो बोलूँ, हेलो, फिर ये अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा और अपने आप नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, फिर जैसे मैं हेलो बोलूँ, हेलो, देखा फ्रेंड्स आपने, तो वो रिकॉर्ड होकर नीचे आ जाता है, ये भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। फिर अगर आपको पब्लिश करना है तो, और फिर आपके जो ये लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अब मैं बता देता हूँ आपको पब्लिश कैसे करना है। पब्लिश पे आपको ये ऊपर एक एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपको जो पब्लिश का एरो दिख रहा है आपको वहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। और फिर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट दिख रहा होगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर कुछ ही देर में यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आएगा शेयर का ऑप्शन, यहाँ पे एक यहाँ पे जहाँ पे मैंने लाइन खींची है उधर शेयर का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने आज आपको बताया है इसके